सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रियलिस्टिक आई, जो कि आउटलाइन मैंने बना रखी है। आउटलाइन इसी है इसलिए मैंने इसका ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड नहीं किया है, और इसका वीडियो ट्यूटोरियल मैं अपलोड कर रहा हूँ। रेफरेंस फोटो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहाँ से फोटो को डाउनलोड कर सकते हो। इस फोटो को ड्रॉ करने के लिए मैं फेवर कैस्टल का पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ, जो कि मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ। अब देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। और इससे पहले मैं अप्सरा की पेंसिल यूज़ करता था, जो कि आप लोगों को पता ही है कैसा रिजल्ट आता था। तो इस बार ट्राई करके देखते हैं न्यू पेंसिल्स, क्योंकि मुझे 70 रुपीज में। तो आप देख सकते हैं कि हमारी आई ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। इससे अब इससे पहले हम एक बार ब्रश वापस से इसके ऊपर फेर देंगे, तो इससे हमारा हाईलाइटेड एरिया ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं रहेंगे। और इस अब हमारी ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें मास्किंग टेप हटा लेनी चाहिए। हम मास्किंग टेप हटा रहे हैं। अब देखना फाइनल रिजल्ट जो भी आएगा आप सभी के सामने होगा। इतना अमेजिंग रिजल्ट आया है, आप सभी देख के शॉक रह जाएंगे, क्योंकि मैं अभी तक अप्सरा की पेंसिल यूज़ कर रहा था, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था। अब मैं फेबर कैस्टल की फ़र्स्ट टाइम पेंसिल का यूज़ किया और इतना अच्छा रिजल्ट आया था गाइस, आप सब देख सकते हैं। अब हम मास्किंग टेप को हटा लिया है, ठीक है। अब देखिए फाइनल रिजल्ट। अब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फेबर कैस्टल की पेंसिल यूज़ करिए। मिलते हैं नेक्स्ट।